हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नक्ष और आप देख रहे हैं ड्रग इन्फो इंडिया। आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रिंग गार्ड और इच गार्ड क्रीम को। ये दोनों ही क्रीम एंटी फंगल क्रीम है जो दाद, खाज, खुजली और रैशेज में यूज़ की जाती हैं। और बहुत सारे लोग इनमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि रिंग गार्ड यूज़ करें या इच गार्ड यूज़ करें, या रिंग गार्ड किस लिए होती है और इच गार्ड किस लिए होती है। तो वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों क्रीम में मेडिसिन क्या है, तो वो हमको यहाँ पे दिखेगी। इसमें जो इच गार्ड में है वो है हाइड्रोक्लोराइड बेंजिल अल्कोहल, और जो रिंग गार्ड में है वो है माइकोनाजोल नाइट्रेट और नियोमाइसिन सल्फेट। यानी ये एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल क्रीम है। ये सिर्फ एक एंटी फंगल क्रीम है। तो अब बात करते हैं इन क्रीम में कौन क्रीम ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आपको रिंग वर्म्स है या रैसेस हो गए हैं तो उसके लिए रिंग गार्ड काफ़ी बेटर होती है, और अगर आपको सिर्फ इचिंग है तो आपके लिए इच गार्ड ज़्यादा बेटर होगी। दूसरी एक बात ये याद रखने की ज़रूरत है कि इच गार्ड को ज़्यादा छोटे बच्चों के नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसमें अल्कोहल और मैंथोल होता है जिससे एक बर्निंग और कूलिंग इफेक्ट देती है, जिसकी वजह से बच्चे की स्किन पर लगती है। रिंग गार्ड में ऐसा कुछ नहीं है, इसको लगाने से कोई ना बर्निंग इफेक्ट आता है ना कूलिंग इफेक्ट आता है, और ये क्रीम जो है वो स्किन पर लगती भी नहीं है। इन दोनों के प्राइस की बात करें तो ये दोनों ही क्रीम 12-12 ग्राम की क्रीम है, और इनमें जो रिंग गार्ड का प्राइस है वो है 56 रुपये और जो इच गार्ड का प्राइस है वो है 63 रुपये। यानी इनमें इच गार्ड थोड़ी रिंग गार्ड से ज़्यादा महंगी है। इन दोनों क्रीम में एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है, जो इच गार्ड क्रीम है वो लगाने के तुरंत बाद एकदम से रिलीफ देती है, जो रिंग गार्ड जो है इसका इफेक्ट जो है थोड़ा टाइम लेता है। ये दोनों ही क्रीम स्किन पे होने वाले फंगल इन्फेक्शन को रोकती हैं और उसको बढ़ने से भी रोकती हैं। ओवरऑल ये दोनों ही एंटी फंगल क्रीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती हैं, और ये हर एक केमिस्ट पे अवेलेबल हैं, छोटे से छोटे केमिस्ट पे मिल जाती हैं, अर्बन और रूरल एरिया में दोनों में मिल जाती हैं। अब आप जब भी आगे से कभी आपको इचिंग हो या रैशेज हो और आप रिंग गार्ड या इच गार्ड लेने जाएं तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लें कि अगर आपको रिंग्स हैं यानी जिनको दाद बोलते हैं तो आप रिंग गार्ड लें, और अगर आपको सिर्फ रैशेज हैं और उसमें इचिंग हो रही है तो आप इच गार्ड लें। यानी कि अगर आप इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं तो आप इच गार्ड लें। तो ये था हमारा इन दोनों क्रीम का कंपैरिजन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ड्रग इन्फो इंडिया, और आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे देखते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।